हेलो दोस्तों, नमस्ते। आंटी की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ, उसका नाम है बची हुई रोटी के पकोड़े। तो चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि ये किस तरह से बनाए जाते हैं और इसके लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ती है। इसके लिए मैंने चार रोटी ली है, वो मेरी बच गई थी इसलिए मैंने चार रोटी ली है। ये मैंने बॉईल कर लिया था आलू और उसको मैंने छिलके छिलके मैश कर लिया है। ये मेरे अरारोट है और आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। ये मेरी दो चम्मच अरारोट लिया है। ये मैंने आधा बाउल बेसन लिया है। ये मैंने प्याज बारीक काट ली है, हरी मिर्च बारीक काट ली है और मसालों में मैंने अमचूर पाउडर लिया है, धनिया पाउडर लिया है और कसूरी मेथी ली है, नमक लिया है, गरम मसाला लिया है और ये मैंने लावड़ा लिया है मिर्ची का और ये मैंने चिली फ्लेक्स लिया है। अब हम ये एक रोटी लेंगे और एक कटोरी लेंगे, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, और इस तरह से हम गोल इसको करेंगे। अरारोट मैंने बेसन में डाल दिया है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे और ये कसूरी मेथी मसल के डाल देंगे, इससे क्या है कलर अच्छा आएगा। इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसको मिलाते जाएंगे। अब देखिए देखिए इस तरह से हमारा गोल हमको चाहिए, ना हमको पतला चाहिए और ना ही हमको गाढ़ा चाहिए। अब हम आलू का मसाला बनाएंगे, उसमें हम ये प्याज डाल देंगे जो कि बारीक कटी हुई है और इसमें हम नमक डाल देंगे, अमचूर पाउडर डाल देंगे, गरम मसाला डाल देंगे और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और जो ये हरी मिर्च है वो भी डाल देंगे और ये धनिया पाउडर डाल देंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से मैश कर देंगे। गैस चालू कर दिया है, पैन रख दिया है और मैंने इसमें तेल डाल दिया गरम करने के लिए। अब हमने ये एक पीस लिया है, इसमें हम आलू लगा देंगे। जैसे और इसको हम ऊपर से दूसरा जो पीस है वो हम इसमें लगा देंगे। इस तरह से हम सबकी सब में सब जितने भी पीस है उसमें हम आलू लगा के और पहले से ही रख देंगे। इस तरह से ही हमने तिकोना जो पीस है उसमें भी इस तरह से लगा देंगे। और इसके ऊपर जो दूसरा पीस है वो हम इस तरह से लगा देंगे। अब मसाला लगाने के बाद अब हम इसमें डुबो देंगे बेसन में, हम इसको तेल में डाल देंगे। गोल वाला लिया था वो भी हम इस तरह से डाल देंगे और इसको भी हम इसमें तेल में डाल देंगे। ये देखिए नीचे से हमारे सिक चुके हैं, अब हम इसको पलट देंगे। धीरे से पलटें आप, बस ये ध्यान रखें जब तेल में आप डालें तभी भी आप आराम से डालें। ये देखिए धीरे से आप इस तरह से धीरे से पलटें। देखिए अब हमारी दोनों तरफ से सिक गए हैं, अब हम इसको निकाल देंगे। अब देखिए हमारे बची हुई रोटी के पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं।
आप इसको बनाइए, खाइए और खिलाइए। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।